नमस्कार। कर्क राशि का बहुत विस्तार से हम अध्ययन करके आपके समक्ष कुछ विशेष बातें बताएंगे। आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे तथा इसका लाभ भी उठाएंगे। कारण यह है कि अगले सप्ताह कुछ विशेष परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये आपके लिए विशेष सूचना सुननी और इस पर अमल करना आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी और दूरदर्शी हैं। कर्क राशि वाले अमृत तत्व से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होता है तथा इस समय इनके केंद्र में बृहस्पति इनको अधिकारपूर्ण बड़ी पोस्ट तथा मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, पिता का सुख और हर प्रकार की उपलब्धि देता है। साथ ही साथ प्रमोशन का समय आपका चल रहा है और अप्रैल के बाद तो कन्फर्म है और धन का लाभ भी होगा। अमृत तत्व जैसा शब्द मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि कर्क राशि के भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति अब स्थिर राशि, चार स्थिर राशि है इस संसार में, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनमें जब जब बृहस्पति आता है तो भारत के चार धाम या तीर्थ, उनमें कुंभ का मेला लगता है। सारे श्रद्धालु वहाँ पर एकत्रित होकर के उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए वहाँ एकत्रित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वृषभ राशि पर बृहस्पति नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार, कुंभ राशि में जब एक श्लोक लिखा है, मेषार्क गतांशा, मेष में सूर्य हो और कुंभ में बृहस्पति हो, मेष में सूर्य हो और वृषभ राशि में बृहस्पति हो, ये स्थिति अभी बन रही है। ताजी ताजी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इन स्थिर राशियों में गोचर में बृहस्पति का प्रवेश होता है तो भारत के इन चार तीर्थों में कुंभ का मेला लगता है और उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु वहां एकत्रित होते हैं। कारण क्या है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के ऊपर देवताओं और दानवों में छीना झपटी हुई, कलश को छीनना चाहते थे, तो उस छीना झपटी में अमृत कलश की जो बूंदे हैं पृथ्वी पर गिरी। इन इन चार धामों पर ये अमृत कलश रखा गया और स्थिर राशि है तो स्थिरता का प्रतीक है अमृत कलश और कुंभ भी है तो कुंभ में बृहस्पति, वृषभ में गुरु। और एक चीज और है आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब अमृत छलक गया, जहां जहां उसकी बूंदे गिरी, उससे जो अमृताश एक नाम की जड़ी बूटी है जिसको गिलोय कहते हैं, वो स्वयं उत्पन्न होती है, उसका कोई बीज नहीं होता, कहीं भी वो उसका प्रभाव किसी भी वृक्ष को के माध्यम से, लता जो होती है किसी वृक्ष के माध्यम से लिपटती है और वो अमृत तत्व देती है उस वृक्ष को भी। इसीलिए बृहस्पति अमृत तत्व कर्क राशि को देने के लिए अगले कुछ ही दिन में आने वाला है तथा आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, आपके भाग्य को उन्नति देगा तथा आपकी राशि पर पूर्ण रूप से एक पाद दृष्टि, मिथुन बीच में है और वृषभ और कर्क दोनों इधर उधर हैं, तो एक पाद दृष्टि बृहस्पति की कर्क पर होगी जो कि उच्च दृष्टि कहलाती है तथा वर्तमान समय में अष्टम भाव में 23 अप्रैल तक चलने वाला आपका मंगल और शनि का जो योग है वो आपको, आपकी मति को भ्रम कर रहा है, भ्रमित, चक्कर आ रहे हैं, पैरों में चोट, अशांति, तनाव और आपके ही परिवार के इष्ट मित्र, परिवार के जन, स्वयं सगे संबंधी, पिता पुत्र, बेटी के साथ, अगर कन्या राशि की कोई लड़की है तो पिता उसको शब्दों के बाण चलाता है, अगर
पुत्र है तो पिता उसको उलाहना देता है, पत्नी उसको डांटती है। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जो कर्क राशि वाले हमारे भाई और बहन हैं, उनको प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, क्योंकि शनि की ढैया है। जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते उसकी खुशामंद करनी पड़ती है ना विडम्बना। तो आपके खिलाफ षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले, चुगली करने वाले लोग नौकरी में अगर आप हैं तो वहां भी और घर में भी, यानी कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा कर्क राशि वालों के लिए। इसलिए देखिए चारों तरफ कांटे बिछे हुए हैं कर्क राशि के लिए, तो आपका इलाज क्या है? आपको जूता पहनना है तो उन कांटों को कुचल दोगे आप। तो जूता क्या है आपका? भगवान का स्मरण करना, हनुमान जी की उपासना, क्योंकि आपका पंचम बुद्धि स्थान और दशम कर्म स्थान, हनुमान जी की उपासना कलयुग में बहुत ही शुभ फलदायिनी है, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद मिला हुआ है। राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार की रक्षा करते हैं। और असुर निकंदन राम दुलारे, असुरों का निकंदन भी करते हैं, और शंकर सुवन, शंकर के पुत्र भी हैं, उनसे भी ऊर्जा मिलती है। अगर हनुमान जी की उपासना की एक बार की, मेरी रक्षा कीजिए, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, जड़ से समाप्त करने वाले, ऐसा ऑपरेशन करते हैं हनुमान जी। जो शत्रु उनकी तरफ देखता नहीं है या अपनी समस्याओं में फंस जाता है, तो आपको दुखी करने वाले शांति से नहीं बैठ सकते। जैसे कि सरकारें बोलती है ना कि अपराध करने वाले नहीं बचेंगे, कानून अपना काम करेगा, ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं हनुमान जी अपना काम करेंगे, और कोई जो शत्रु है आपको कष्ट दे रहा है वो बचेगा नहीं। विश्वास रखो, विश्वासो फल दायक, विश्वास ही फल देता है। मंत्रे तीर्थे द्विजय देवज्ञे भैषजे गुरु, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अगर आपने हनुमान जी के प्रति आस्था और श्रद्धा व्यक्त की तो वैसी सिद्धि प्राप्त होगी, वैसी फल मिलेगा। कारण क्या है कि जो सतवार पाठ कर कोई सात वार है, सात बार, सेवन टाइम नहीं, शत मैंने सौ बार नहीं, कंटिन्यूटी बनाइए। जो सतवार, सात प्रकार के वार, सोमवार से रविवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी, महासु कोई सारे कष्ट पाप ताप संताप, जब करोगे हनुमान जी का जाप सब किनारे लग जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपके लाभ भाव में, जैसे ही बृहस्पति आएंगे, बस उससे तीन दिन सात दिन पहले, सेवन डेज बिफोर, आपका मंगल जो अमंगल कर रहा था वही मंगल करेगा, आपके भाग्य स्थान में मंगल आएगा। आपका सूर्य आभा मंडल ठीक अब से 14 दिन के बाद आपके लिए विशेष फोकस, विशेष सम्मान, विशेष धन, विशेष वाणी, विशेष प्रमोशन, विशेष तरक्की देगा। अब बात यह है कि जो सिंह राशि है आपके धन स्थान की स्वामिनी है, उस पर अभी भी बृहस्पति की दृष्टि है, और जैसे ही आपके लाभ भाव में बृहस्पति आएंगे और धन स्थान में अभी चल रही बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के साथ, आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी स्वयं बृहस्पति के साथ सम्मिश्रण होगा, युति होगी दोनों की 13 तारीख को, और ये 17 दिन बनी रहेगी। तो सुख के तो चाहे 5 पल ही मिल जाए, वो जीवन के पता नहीं कितने दुखों को हरण करते हैं तथा एक यादगार और इतिहास बनाते हैं। एक नई चीज सुनिए आप,
ज्योतिष से संबंधित है, तो इस बात को वही समझ पाएंगे जिनको ज्योतिष की बेसिक नॉलेज है। दो शब्द होते हैं परमोच और परम नीच। सूर्य का परम उच्च होने का समय वर्ष में एक ही बार आता है, सूर्य दश अंश का जब हो जाता है उसको परमोच्च कहा गया है। 23 अप्रैल वह तारीख है विश्व की जिस दिन सूर्य परमोच्च होता है, उस दिन उसकी आभा मंडल कई हजार गुना ब्रह्मांड में आलोकित करने वाली होगी, तथा उसी दिन मंगल, आप देखिए, कुंभ राशि को छोड़ करके अगले स्थान में चला जाएगा। अब वो कुंभ राशि से गया और उस कुंभ राशि का जो स्वामी मंगल है उसी की राशि में परमोच्च अति तापी गर्म दिनों की शुरुआत का कारक 23 अप्रैल को बृहस्पति परमोच्च होगा। अब हम ये बात करेंगे कि भाग्य स्थान में इसी ग्रहण को 8 तारीख को जो ग्रहण होगा, सूर्य राहु शुक्र और चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में होंगे। यह चर्चा क्यों कर रहे हैं हम इस ग्रहण की, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं आपके सुख वैभव स्थान और लाभ स्थान का स्वामी होकर चंद्रमा और इन दोनों युति करेंगे, लेकिन वहां दो और बैठे होंगे भाग्य स्थान में, सूर्य भी और राहु भी, इसलिए इनके दुष्परिणाम आपको ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। यू आर ग्रेट पर्सनैलिटी राइट नाउ, कर्क राशि वाले अपने आप को भाग्यशाली समझ करके चलें। इसी के साथ साथ जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है उनकी शनि और बुध, केतु और शुक्र की मादशा की जो कंटिन्यूटी चल रही है उनके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भर करता है कि आपके ये ग्रह किस किस हाउस में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। इसी के साथ साथ कर्क राशि में जिनका पुष्य नक्षत्र होगा उनकी बात कर लेते हैं, वो 36 साल की उम्र से पहले बुध की मादशा इनको सब कुछ वरदान देगी, विदेश यात्राएं ज्यादा होंगी, तथा केतु और शुक्र की मादशा भी स्थान बल के अनुसार लाभ देगी, और आगे शुक्र केतु सब लाभ देंगे। और अब आया श्लेषा नक्षत्र जिनकी 24 साल की उम्र के बाद अब शुक्र की महादशा उनको सुख कारक बनी हुई है, तथा छोटे मोटे कष्टों को छोड़ करके गंभीरता से आप देखिए, जो स्टूडेंट नई राह पकड़ रहे हैं ज्येष्ठा ये आश्लेषा वाले, इनके लिए शुभ परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ व्यवधान आने के बाद। अब इनकी बात हम कर रहे थे 24 साल की उम्र के बाद 44 साल तक आप समझिए शुक्र की मादशा सुख कारक, और 6 साल चंद्र सूर्य और 10 साल चंद्रमा और 7 साल मंगल एवं 18 वर्ष राहु की मादशा, इस क्रम को देखते हुए जिन जिन की ये दशाएं हैं उनको अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। ढैया से ढैया जो चल रही है ये अपमानजनक स्थिति लाती है, लेकिन आपको डरना नहीं है। जो लोग इस ढैया का शांति से मुकाबला कर लेते हैं वो कभी भी आगे जीवन में दुख नहीं पाते। मुख्य बात क्या है, आपकी कुंडली में आपकी राशि के अनुसार असफलता आना एक स्वाभाविक चीज है। जो असफलता के बाद अपने आप को संभाल लेता है उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है, लेकिन सफल होने के बाद अपनी उस अहंकार और खुशी को दबा पाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो अच्छी बात यह है कि आप असफल हो रहे हैं और उस अनुभव को ग्रहण करके भविष्य में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और सुख और अनुभव और परिणाम और एक्सपीरियंस जो मिलेगा वो आपको पैसे से खरीदने से नहीं मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।